स्वागत है डॉक्टर स्मिथ में। हमेशा आपको बहुत ही अमेजिंग एक्सपोर्ट रिपोर्ट की जानकारी देता हूँ, प्रैक्टिकल नॉलेज देता हूँ। दोस्तों हमारे दो दिन की वर्कशॉप होती है, दिल्ली में रेगुलर लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट अलग सिटी में टाइम टू टाइम होती रहती है। दोस्तों आज मैं आपको बताता हूँ एग्रीकल्चर मशीनरी, एग्रीकल्चर जो चीजें हैं, एग्रीकल्चर जो खेती में काम, फार्मिंग में काम आने वाली चीज है दोस्तों, उसको तंजानिया में कैसे एक्सपोर्ट करते हैं। दोस्तों पहले मैं आपको बताता हूँ तंजानिया के बारे में। दोस्तों तंजानिया की जो कैपिटल है वो डोडिमा, करेंसी है दोस्तों तंजानियन शिलिंग, लैंग्वेज है स्वाहिली, कॉलिंग कोड है 255255। दोस्तों पहले मैं आपको बताता हूं एग्रीकल्चर मशीनरी कौन कौन से थे। ट्रैक्टर है दोस्तों, कल्टीवेटर है दोस्तों, प्लानर है, टू व्हीलर ट्रैक्टर है दोस्तों, प्लग है, बालर है, ये सारी चीज तंजानिया में काफी डिमांड है क्योंकि तंजानियन गवर्नमेंट एग्रीकल्चर में काफी प्रमोट कर रही है दोस्तों। तो तंजानिया में एग्रीकल्चर मशीनरी का आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। थ्रेसर है, हार्वेस्टर है, ये सारी चीजें, ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, प्लानर, टू व्हीलर ट्रैक्टर दोस्तों, प्लग, बैलर, थ्रेसर, ये सारी चीज आप तंजानिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ज्यादा डिमांड है वहां की। अब मैं कुछ सी पोर्ट्स बताता हूं दोस्तों जहां बहुत कम पैसे में तंजानिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि चीजें भारी होती हैं, इसलिए मैं प्रेफर करता हूं सी पोर्ट्स के लिए दोस्तों। ये जो सी पोर्ट्स हैं दोस्तों, मतवारा सी पोर्ट्स, बुकोडा सी पोर्ट्स और मकोनी सी पोर्ट्स। अगर कोई छोटी चीज हो जैसे पेस्टिसाइड स्प्रेयर है, इनको कुछ अमाउंट क्वांटिटी भेजना चाह रहे हो या कोई डीलिंग मिली हो तो आप बाय एयरपोर्ट से एयर से भेज सकते हैं दोस्तों। ये है क्लीमिन जारो एयरपोर्ट्स और दोस्तों अबीद अमीनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। दोस्तों जो होलसेल मार्केट्स है वो है ओराकनी एग्रीकल्चर होलसेल मार्केट्स। आपके कोई रिलेटिव रह रहे हो या आप विजिटिंग वीजा पे जाएं, आप जाएं, आपको काफी आपके लिए, आपकी एग्रीकल्चर मशीनरी के लिए आपको काफी बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। हमारे दो दिन की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। पहले दिन में इंडिया के रूल एंड रेगुलेशन के बारे में बताते हैं दोस्तों। इंडिया में लाइसेंस कैसे लिए जाते हैं, कैसे सैंपल भेजा जाता है, कैसे प्रोडक्ट भेजे जाते हैं एयर के थ्रू, शिप के थ्रू। हम कुछ डिप्लोमेटिक तरीके बताते हैं जिसे आप बायर और सेलर ढूंढ के और ये पता लगा सके असली है या डिफॉल्टर। हमें कंप्यूटर प्रोग्राम भी देते हैं जिसको आप अपने लैपटॉप पर इंस्टॉल करेंगे, सारे के सारे सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, जब वो बन जाएंगे तो आपके मेल पे आ जाएंगे, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं दोस्तों। सेकंड डे जो हमारा कॉन्टिनेंटल डे रहता है, जिस देश में आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं उस देश के क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या है, रूल रेगुलेशन क्या है, ये चीजें बताई जाती हैं। क्योंकि अगर आपका सामान यहां से एक्सपोर्ट हो गया और जिस देश में जा रहा है उस देश के वो अकॉर्डिंग नहीं आया, उसके देश के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, तो आपका सामान यहां से चल जाएगा, वहां की पोर्ट से वो रिलीज नहीं होगा और आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे दोस्तों। तो जिस देश में आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाह रहे हैं उस देश के क्वालिटी स्टैंडर्ड रूल रेगुलेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। कुछ साइंटिफिक तरीके बताऊंगा दोस्तों जिसे आप पैकेजिंग करने से लंबे समय तक आपका सामान खराब नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि हमारे देश की क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है, दूसरे देश की क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है, कई जगह ठंड पड़ती है, कई जगह गर्मी पड़ती है। तो इस तरह के लिए साइंटिफिक तरीके मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। हमेशा याद रखें, बिजनेस शुरू करने के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट के, पैसा कम प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा, आपका बिजनेस ग्रो करेगा। अगर आपके पास पैसा ज्यादा है, प्रैक्टिकल नॉलेज कम है, आपका बिजनेस लॉस में जाएगा दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए दोस्तों। पुराने वीडियो जरूर देखिए दोस्तों, 190 कंट्री के बारे में बहुत अमेजिंग जानकारी दे रखे दोस्तों। स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कोई भी दिक्कत हो बेझिझक मुझे डायरेक्ट मुझसे कॉल कीजिए, अपनी प्रॉब्लम बताइए, मैं उसका सोल्यूशन बताऊंगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।